फिर एक बाद का कहनी बाद अपन थाना पर गईनी कौ तारीख गई 14 तारीख को। अच्छा तो वो लोग बोले कि से ठीक है आप लिख के दिए है ना आवेदन। अरे भैया मेरा लड़का आप तो भाई है कुछ भी सब पहले भी मदद के तो अभी भी कीजिए कुछ नहीं सुना बोले नहीं किया कि चुप रहो खोज कर लाएंगे तब तो हम लोग कहा कि चलो वीडियो एथी करे। भोजपुरिया समाचार में और स्वागत बटुए आज एगो ऐसा मामला फसल बटुए ब्रह्मपुर थाना के अंतर्गत जहाँ पे एगो फोचका बेचे वाला जवन की बेचारा अपन परिवार के गुजारा फोचका बेच के करत रहे एगो एकलौता लड़का रहे ओकरा पर बुरा नज़र पड़ गई। आज 21 दिन हो गई गायब बा बाप माई आ मेहरारू लगातार दौड़त लोग थाना से लेकर के एसपी साहब तक लेकिन कोनो सुनवाई नहीं है रो रो के फरियाद कई लोग भोजपुरिया समाचार के टीम लोग यहाँ पहुँचल का लोग के साथ घटनाक्रम भइल बटुए सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार। सबसे बड़ा सवाल बा कि ये लोग नाम भी बतावता कि फलाना आदमी है कांड के अंजाम दिले बा लेकिन पुलिस रोज एक दिन काल हो जाए परसों हो जाए बस बे तार तार रहल बिया पुलिस। सुशासन के सरकार ही अपराधी पे लगाम लगावे के बात करतिया लेकिन ऐजा अपराधी के नाम बतावे पो वह लड़का के अपहृत लड़का के बाप तैयार बने लेकिन वह अपराधियों के पकड़े खातिर पानी छूट जाता ब्रह्मपुर पुलिस के। आई बातचीत कर लिया परिवार के बाप से का नाम पड़ी राउत। हमारा नाम शिवलाल गुप्ता पड़ेगा। भोजपुरी बोली ला अभी यही बोलते हैं हिंदी बोली ला हाँ। अच्छा ये बताई कि राउर लड़का जौन बने रुराइए का करे ला पहले हमें जो पानी पूरी बेचो तो नहीं है बाप बेटा दोनों आदमी पंजाब नेशनल बैंक के सामने बेचता था। कौन मंदिर? हम शंकर जी के मंदिर भोलेनाथ के बाबा परमेश्वर नाथ के मंदिर के सामने बेचते थे। कितना दिन रहा लड़का के पहले? हमारा थाना 21 दिन हो गया वो 11-13 तारीख को वो लोग उठा लिए हैं। उठा लिए हैं हाँ। वो बोले थे हमसे ना इसे पहले पूरा मामला बताएंगे कैसे का भइल बटुए पूरा शुरू से यही हुआ है ना इसे वो लड़का हमारा गया था रिफाइन खरीदने के लिए। कितने तारीख की घटना पे? 12 तारीख है। अच्छा रिफाइन खरीदने हाँ रिफाइन खरीदने गया फोचका बनावे खातिर रिफाइन खरीदे हाँ रिफाइन फोचका बनावे खातिर गए रहे हैं तो सवेरे में खरीद के ला रहे थे तो उनको रास्ते में लोग घेर कर मारपीट किया। कौन मारपीट किया? वही डब्लू और बीटू और उसका निरंजन थे पिताजी। तीनों लोग मारपीट किए? हाँ मारपीट किए हाँ। हम वहाँ थे नहीं। अच्छा। जैसे हुआ वैसे मारा फिर भी किसी तरह लड़का ने हमारा छूट कर घर आया। अच्छा। तो लेकिन हम लोग से कोई संदेश नहीं किया नहीं बोला बताया ना घर लोग पापा हम पिटाई हाँ नहीं कुछ नहीं बताया। हम दुकान से आए थे हम लेके मंदिर चले गए जब हम मंदिर से दुकान शाम को लेके लौटे थे तो लड़का भी अपना दुकान लेके चला गया था बेच रहा था तो डब्लू ने बोला हमको बुला कर वहाँ ठेला रुकवा के कि सुनिए जो अपहरण किया है हाँ जो अपहरण किया है वो बुला के कहा कि देखिए आपको लड़के को इसके लिए मारपीट किए हैं कि जैसे बेटी को गांजा सिगरेट पिलाने के लिए बोला मैंने का नाम रहे कि राउर लड़का जौन बड़े हैं क्या नाम है उनको लड़का का राउर? हमारा गणेश नाम है। गणेश जौन बड़े हैं तो हमारे भाई के गांजा पिया सिगरेट पियावत है तो कई गंजा सिगरेट पियत रहे हम लोग ना हाँ। बिल्कुल नहीं है और सही हाँ ये लोग अच्छा। बात बना के वो लोग किए हैं। अच्छा यही कहते हम पीते नहीं हो कहला हाँ, हाँ डब्लू का एक हम मारे हैं तो और ज़्यादा कोशिश करोगे ना ऊपर जाने का तो तुम्हारे बच्चों को हम उठा लेंगे घर से तो कुछ नहीं करोगे। हम बोला ऐसा मत करो भाई इज्जत है हमारे घर का भी लेकिन वो कोई नहीं समझा। बिहान भेला जब हमारा बच्चा कलर लाने के लिए गया बाजार में तो कलर लेके वो आया ही नहीं हाँ हम दुकान पर थे। बाद में हमारा परिवार रोने पीटने लगा बोला कि अभी तक कलर लेके नहीं आया क्या हुआ। जब शाम को आया तो हमारे को ये सब लोग बात सुनाए तो हम बोला लगता है कि वो लोग बोल रहे थे ना वो लोग अपहरण कर लिया है। फिर एक बाद का कहनी ओकरा बाद अपन थाना पर गईनी कौ तारीख गई 14 तारीख को। अच्छा तो वो लोग बोले कि से ठीक है आप लिख के दिए है ना आवेदन ठीक है इसके विषय में हम लोग पता लगा रहे हैं लगेगा तो हम लोग बताएंगे। उसके बाद वो बड़ा बाबू को कोई आदमी भी एक आया था पुलिस हमारे घर में और जो भी बात हमारे साथ हुआ था वही मैंने उसको बताया वो लिख पढ़ के लेके गया। इसके लिए कोई संदेश आगे नहीं निकला। फिर एसपी साहब के यहाँ पहुँचे? फिर एसपी साहब के यहाँ पहुँचे 15 तारीख को शायद गए थे हम लोग 15 तारीख हाँ 17 के 17 तारीख को गए थे
तो क्या हुआ कि एसपी साहब के हम लोग ब्रांच में गए, बुलाए हम लोग को। कौन बुलाया? एसपी साहब। हाँ। और हमसे पूछे कि क्या हुआ। हम बोला कि सर हम ब्रह्मपुर से आए हुए हैं, हमारा बच्चा को अपहरण कर लिया गया है 13 तारीख को, इसके विषय में। तो बोलता है ठीक है, हम ब्रह्मपुर फोन लगा के वो एसपी साहब ने पूछा तो प्रभारी जी ने यही जवाब दिया कि उसका बच्चा बच्चलन है, पीता खाता है, इसके लिए डब्लू ने उसको मारा और वो घर जाके 3000 रुपया लेके वो फरार हो गया। तो हम बोला भगेड़ू है, तो हम बोला कि कोई साहब के यहाँ कोई इसका सबूत है कि हमारा लड़का घर लेके भागा है 3000 रुपया और ये वो लड़के रहे लेके। हाँ। भागी तो केकरा खाती भागी? लेके नहीं गया, वो तो कलर किनने गया है, वो तो पैसा कहाँ से लेके गया है सर। हाँ। वो कलर किन के आता तो अपना घर में दुकान लगता। हाँ। लेकिन बीच में ही उसको अपहरण कर ले गया तो दुकान क्या निकालेगा उसका, दुकान का सामान। फोन उठाइल है? फोन ना, कोई फोन उसके पास है नहीं है सर। वहाँ दुकान जहाँ लगाता था ना, तो कोई सब्जी वब्जी की जरूरत पड़ता था, अपना के बचाव होता है, दूसरे लड़के से लेके फोन करता था। अच्छा, रुकी रुकी रहा, पत्नी से पहले जाना रहता रही रुरा? ना, हम सूरत रहते नहीं। अभी जा गिल बनी? हाँ, एज गई नहीं है, करीब हाँ 3-4 वर्ष हो गया। बीच में शादी वादी किए हैं लखनऊवा में अपन लड़का हुए। हाँ, मान लीजिए कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, शादी ब्याह किया हुआ 1.5 साल हो गया, तब तक ये हमारे साथ घटना हो गया। मार दिया लोग की, गायब कर दिया लोग, क्या किया लग रहा है? क्या लग रहा है और अभी तो हमको जैसे लग रहा है कि हमारे बच्चे को अपहरण करके रखा है लोग। कहे लिए कुछ मांग करेगा? नहीं, मांग नहीं करेगा, हो सकेगा कि छोड़ देगा। अभी कोई ऐसा स्वादिष्ट नहीं सोचे हैं कि हमारे लड़का को ये किया है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि तो बाद में वो लोग 2-3 महीना हो जाएगा तो, हाँ, मार के फेंक देगा, पता ही नहीं चलेगा, कोई स्वादिष्ट नहीं निकलेगा, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। वो क्या करेगा गरीब बेचारा फुचका वाला? सही बात। हम कहने की चलो क्या मांग करते हैं एसपी साहब से, खबर आपकी एसपी साहब और डीआईजी साहब दोनों लोग के पास जाएगी, तो क्या मांग करते हैं? कौन आप? क्या मांग करते हैं एसपी साहब से आप? हम कहते हैं कि हमारा बच्चा घर आ जाए, और हमको क्या करना है, हम गरीब आदमी अपना कमाएंगे खाएंगे जीते रहेंगे, और कोई सरदार नहीं हमको सर। वही है कि हमारा बच्चा हमारा सलूकत आ जाए हमारे घर में, उसका परिवार है, उसको दिन दशा कैसा चलेगा, हमारे बूढ़े आदमी है, हमारा कैसा दिन दशा चलेगा, परिवार है, एक लड़की है मेरे पास, उसको भी शादी विवाह करना है। एक ही लड़का था? एक ही लड़का था, एक लड़की थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवलाल गुप्ता। घर? घर यही अभी नया बनाए हैं, अब पुराना घर हमारा नाट मझरिया उपाध्याय पांडेपुर पड़ता है। यहाँ कहाँ है? यहाँ पर ब्रह्मपुर नया टोला है, वार्ड नंबर 18 है, कुमार मूल के पीछे है। आप जो गायब किए हैं लोग आपके अगल बगल के रहने? हाँ, वो हमारे सामने में रास्ते में पड़ता है, उनका मिल है दुकान के। ठीक है, आप बात करते हैं आपसे। माता जी लड़का रहा? हाँ, वो मेरा लड़का है। भोजपुरी रोरा बोली लेकिन बोली नहीं? हाँ, तो बोली भोजपुरी। हमारे कहीं लड़का रहा, हमारे लड़का के मार के अपहरण कर लिए लोग, पूरा विश्वास है वही लोग किए बीटू। हाँ, डब्लू बीटू यही किए है, दूसरा का हाथ नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, वही धमकाया है, वही उठाया भी है। पुलिस भी जाते नहीं? अब वो थाना पर जा रहे हैं उसने के सुनवाई हो, तो वो बोलता है कि मेरे कागज भीज गया है। कागज भीज गया मैंने? हाँ, ये लिख करके दिया है ना, वो भेजा है। हाँ, हाँ, कहते हैं कि भीज गई, फिर लिख के देनी जाए, वो भी नहीं सुनवाई भाई, तब हमने के अब एथी पर वीडियो कंजे के वीडियो करी जाए। आज 20-22 दिन हो गए ऐसा ऐसा मेरा साथ कांड हुआ, हम लोग गरीब दुखे, मेरे लड़का आपस चाहिए, हम यही आप लू से हाथ जोड़ते हैं कि मेरा लड़का आपस चाहिए, मेरे लड़का को साथ कुछ नहीं होना चाहिए। एक दिन मान लीजिए कि एक ही लड़का था? हाँ, एक ही लड़का, वही सिंगार था, बूढ़े का सहारा था। हम लोग को वही नुए, लेकिन मेरा लड़का पीता खाता नहीं है सर, हम लोग को दबाया जाता है, हम लोग को पीछा कोई नहीं है, हम लोग को दबाया जाता है, देखिए इसको लड़का पीता खाता, लेकिन मेरा लड़का पीता खाता नहीं है, जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती। दोनों डॉन है जो ले गायब किया है, वो अपने आप को दबंग समझता है क्या? और डॉन है तो वही उठा लिया ना, कि इतना दिन हो गया, दूसरे तो उसको बाप को गोर पर जाकर मैं गिरा कि भैया मेरा तू ही अपना है, पागल का भाई है, कुछ भी है, आपके का सहारा है ना, मेरा लड़का कुछ करके ला दो, गोर पर गिरा, कुछ नहीं सुना, गोर पर गिरा, लड़का को बाप को गोर पर गिरा, कुछ नहीं सुना, फिर ये नहीं बोला कि चुप रहो मत रहो, तुम्हारा लड़का खोज कर ला देंगे, नहीं कुछ नहीं बोला, हंस रहा था।
रो रो के मैं बोला कि भैया मेरा लड़का आप तो भाई है, कुछ भी है, सब पहले भी मदद करते अभी भी कीजिए, कुछ नहीं सुना, बोले नहीं किया कि चुप रहो खोज कर लाएंगे। तब हम लोग कहा कि चलो वीडियो एथी करे। क्या नाम पढ़े रहो? कांति देवी। ठीक बा, आई बातचीत कर लिया उनकर पत्नी से भी, एक साल लगभग 1.5 साल शादी कर लिया भल बटुए। ये बेचारी इंतजार करती है कि हमारे पति के का हो गई, केकर नज़र लग गई, ये का हो गई हमारे साथे, हमारे सुहाग कहाँ बने, इहो बेचारी इंतजार कर रहा भी है। वो औरत से बातचीत कर जाओ। क्या नाम पड़ी रहो? नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता, कितना दिन शादी कर लिया भल? 1.5 साल। 1.5 साल। कहाँ रहो घर पड़ी? माइके दीवान के बड़के गांव। दीवान के बड़का गांव। तो 1.5 साल पहले शादी भइल, तो ये कैसे का हो गई फिर? रोरा का बुझे, रोरा मोबाइल पर फोन उनावत रहे? हाँ, बीटू के फोन आवत रहे, बोलत रहे गणेश भैया कहाँ पर है। अच्छा, तब बुला देत रहे तो ये चले जात रहे। चल जात रहे, चले जात रहे। अच्छा, 9 बजे 10 बजे रात के आवत रहे। ये सब मिल के आपको क्या लग रहा है? बीटू और डब्लू उनकर पापा मिल के फोन नहीं किया होता कोनो पति के? नहीं, कोई के फोन ना आवत पति के नहीं किया होता जो उनका है बने इतना ना। जैसे बंधन में तो फोन कैसे आए? बांध के रख ले बड़ा से। हां, भड़की तले तो वे सब नु कहले है। गोड़ पे गिरले के बाद उनकर पापा खाली हंसत है, कुछ भी ना बतावत है ना। थाना में गोला के बाद में पहल का है थे भइल पेन दूसर का में पानी लग गिर गए। पानी गिर गई? कथी पानी गिर गई? वो लीक के दिहल को रहे तो वो कहता लोग पानी भिज गए। पानी में भिज गए तिसार का चाहे, तिसार का गोल 2 डेट दिले वो भी कैंसिल कर दिले। वो कैंसिल हो गया? वो भी कैंसिल हो गया। क्या लगा था थाना सहयोग नहीं कर? नहीं, थाना कुछ रिश्तेदारी लगता है मिलल बा। हाँ, हाँ। बगल में कोनी घर बा थाने के बगल? अगल बगल। हाँ, अगल बगल घर होगा लेकिन मिल बा। पैसा वाला हो सन का? हाँ, पैसा वाला पार्टी है। ये सब पुलिस सेटिंग कर देला। का मांग करो? तने पति चाहिए, पार्टी चाहिए, और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। शादी के 1 साल भइल, फिर तो आपको याद आता ही होगा कि कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? सब भी खोज रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा। अपने रिलेशन में आपने पता किया कहीं? सब पता कहाँ कहाँ पूछा आपने? मायके में सगरे जहाँ पर जहाँ है ना सगरे पता हो गया, कुछ भी नहीं है। वो पति के फोटो दिखाई हम रखे, अपन पति के दिखाई, जूम करके दिखाई एकदम। अगर आ जाओ लाइट बढ़ाई, लाइट बढ़ाई, लाइट लाइट बढ़ल बा। अगर दिखत हो कि रौरा दर्शक लोग के, तो उहे हमें जेकरा के लगभग 21 दिन गायब भैला भइल, परिवार के लोग अपहरण के शंका जता रहल बा, बाई नेम भी बता रहल बा, लेकिन पुलिस संभवतः अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं करत। पुलिस बस ओकरा के ऐसन रख दिले बिया जैसे ठंडा बस्ता में रख दियाला। ई परिवार जौन बटुए पीड़ित परिवार, ई बूढ़ी माता आ साथे साथ ही पिता, ये दोनों लोग इंतजार बस करता लोग, ये इंतजार करता लोग कि कब हमार लड़का आई, कब ओकर दीदार होई, लेकिन अभी तक वह लड़का के कोनो अता पता ना चलल। लगातार खोजे के प्रयास करता लोग, एसपी साहब से लेकर के साथे साथे थाना के तक कई बार चक्कर लगाओ लोग, लेकिन अभी तक वह लड़का के पता ना चल पावल। अगर सच में सुशासन के सरकार भी है, सच में सरकार क्राइम पर कंट्रोल करे के बात करती है, तो जल्द से जल्द यह मामला के उद्भेदन होके के चाहिए। भोजपुरिया समाचार यह मामला के भी प्रमुखता से उठाई, काहे से कि वो गरीब फोचका बेचे वाला के परिवार के बात बा। वो गरीब व्यक्ति जवन सुबह में कमाई तो राति का खाई, यदि ना कमाई वो दिने भूखे पेट सूट जाए। ओकर एगो लड़का इकलौता संतान गायब भइल बटुए, लेकिन थाना बा के अभी सुने के नाम नहीं खेले। अब देखे के बटुए खबर चलला के बाद का कार्रवाई होता है। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।